व्हाट्स अप गाइस, बैक अगेन विद द न्यू व्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद मैं आ गया हूँ वापस व्लॉग बनाने। वैसे ही काफ़ी दिनों क्या महीनों से व्लॉग ही नहीं बना रहा। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ शहडोल, और अभी मैं फ़िलहाल हूँ उमरिया, और उमरिया से जा रहा हूँ शहडोल। उमरिया के मैं फ़िलहाल बाहर आ चुका हूँ हाईवे में, तो आगे का सीन दिखाता हूँ क्या रहता है क्या नहीं रहता है। और ऊपर से कुछ दिनों पहले दंगा फसाद भी हो गया रहा, वो भी आपको बताऊँगा क्या कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ही मेरी बाल की हालत वैसे भी बहुत ख़राब हो रखी है, जैसे कहते हैं हेलमेट लगाया रहा, इसलिए बाइक से जा रहा हूँ। आगे का सीन दिखाता हूँ आपको कैसा रहता है कैसा नहीं। फ़िलहाल मैं इस जगह पे हूँ हाईवे में, और यहाँ रेलवे ट्रैक है जैसा कि आप देख सकते हो। फिलहाल अभी टाइम हो रखा है 3:42। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वहाँ किस्मत ही ख़राब है गाइस। ट्रेन अभी निकल रही है, फाटक बंद मिला अपने को, और सामने इसको देखो कितना ज़्यादा हुआ लोड है, ख़तरनाक है भाई। ऐसा लग रहा बाइक से ज़्यादा वेट तो उसी का होगा, बोरी का ही हैवी ड्राइवर है। और तो फिलहाल फाटक से निकल चुके हैं हम लोग, मतलब मैं ही हम लोग क्या ही बोलूँगा। और फिलहाल अपनी गाड़ी 20,136 किलोमीटर कर चुकी है। अभी तो मैं तब टूट कर रहा हूँ जब तो मैं आगे पहुँच गया है जब तक देखो देखिए इस तरह खत्म ख़राब रोड है, अगर रोड के नीचे गड्ढा रहा मैं उसी कूदा दिया, वो दिखाई नहीं तो का रोड खराब है, मतलब बनी ही नहीं है। कोई पानी भर जाएगा तो आप जाते भी ना बनेगा। पीछे वाला, चलो पीछे वाला फाटक खुला रहा, पत्ते को देखो हरे से पूरा मिट्टी हो गया है, समझ सकते हो बिना भयंकर धूल मिट्टी उगती है। गाइस बारिश होने लगी है, किस्मत बहुत ख़राब है अपनी, दिखाता हूँ आगे बारिश हो रही है। अभी जहाँ मैं हूँ ना वहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ की रोड देखो पूरी सूखी सूखी है आगे तक की, और आगे यहाँ की देखो कितनी गीली है क्योंकि आगे हो रही है बारिश भयंकर। हाँ ठीक है भाई लोग, यहाँ से निकलते हैं, क्या ही कर सकते हैं, बारिश हाय चाइना है। बाकी आगे बहुत तेज़ हो रही है, अब पीछे वहाँ से मैं पीछे से आया हूँ, आगे जाना है, आगे बारिश हो रही है, और जहाँ भी खड़ा हूँ उतनी नहीं हो रही है लेकिन आगे बहुत हो रही है। अचानक से ही मौसम चेंज हो गया, अब तेज़ चला के जाना पड़ेगा। तो भाई जब फिलहाल हम पहुँच चुके हैं पाली, यहाँ इतनी गड्ढा पिड्ढी है कि क्या बताऊँ, गड्ढा ही गड्ढा है, और गड्ढों में पानी भर चुका है क्योंकि अभी बारिश हो चुकी है। देख सकते हो पूरी रोड ही एकदम कचरा है, जहाँ गड्ढे, ये छोटा स्विमिंग पूल, ये देखो यहाँ एक बूंद पानी नहीं गिरा है फिलहाल, तो लगता है पाली में बस भयंकर बारिश हो रही थी। देखो पूरा रोड सूखा हुआ है, देखो ट्रक पाउडर उड़ा रहा है भयंकर। और भाई जहाँ साईं बाबा बनाए जा रहे हैं, एक पोस्टर भी लगा है, दूँ मुझे भाई ये कुछ ऐसा दिखेगा शायद तक हिसाब से बना है ये हाईवे में ही है। तो भाई लोग हम फाइनली पहुंच चुके हैं शहडोल, आगे का व्यू देखो साफ है भाई, और इसका क्या हाल, 5:23 हो गए हैं। तो भाई फिलहाल मैं चाट की दुकान पर बैठा हूँ, भूख लगी थी तो सोचा खा ही लिया जाए, बाकी आसपास का धंधा बंद ही है जैसे कि आप सामने देख सकते हो पूरे ठेले बंद है। तो भाई ये आ गई है चाट नहीं है टिक्की है वैसे तो, चलो ठीक है भाई खाते हैं इसको। भाई फुल्की आ गई अपनी। तो भाई लोग ये दूसरा दिन है, पहले दिन तो आपको दिखाया ही,
चाट सब्जी खा के ही ख़त्म कर दिया है, क्योंकि रात में रिकॉर्ड करने कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि धूप, क्योंकि रात में कुछ दिखाई नहीं देता है। अब दोबारा शुरू कर रहा हूँ, फिर अब देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं रहता है। आज फिर काम से निकल चुका हूँ, काम मैं आपको बताऊँगा नहीं। गाइस अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता ना देखा हो ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी की पूरी फैक्ट्री दिखा रहा हूँ। ये देखो, अगर दिखा भाई, ये देखो, देव भाई खतरनाक ही पूरा दिखा, भयंकर है, छत्ता ही छत्ता, खतरनाक ही छत्ता रहा। पेशेंट भी जाने से पहले बार बार सोच रही कि जाऊँ कि ना जाऊँ, इतना छत्ता रहा, मतलब छत्ते की पूरी फैक्ट्री ही रही, तो जहाँ नज़र जाती वहाँ छत्ता ही छत्ता। वो आगे एक तो गाड़ी धुआं छोड़ते हुए जा रही है, सुबह का माहौल है, रोड हमेशा की तरह गड्ढा से भरी है, बस यही सीन चल रहा है। तो भाई लोग फिलहाल हम पहुँच चुके हैं शहडोल के विराट मंदिर, तो आपको अंदर जाके दिखाता हूँ क्या व्यू रहता है क्या नहीं रहता है, तो बने रहना ब्लॉग में। बाहर से व्यू देखो कुछ इस तरह का है। तो भाई ये लोग हैं एंट्रेंस, भाई लोग ये हैं एंट्रेंस, यहाँ से खोल रहे हैं गेट, चलते हैं एंट्री मार के, देख सकते हो कुछ इस तरह का सीन है। हाँ पूरा का पूरा खाली पड़ा है, मतलब पूरा पूरा खाली है मंदिर, और यहाँ देखो बस एक तो यही बस दिख रहा है। और ब्रो क्या हाल चाल, बस यही बस मिला है अभी तक तो, और बाकी ये व्यू देखो पूरा गार्डन वाला है, व्यू रखवाली कर रहा है, ये रखवाली कर रहा है, गार्ड है यहाँ का लगता है, कोई दिख नहीं रहा, एक आदमी ना दिख रहा है यहाँ पे हमें, सिर्फ हमारे अलावा, हम दोनों के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। पूरा यहाँ का गार्डन टाइप का व्यू है, ये देखो आगे का व्यू कैसा है, घास ही घास है यहाँ, इसे सोप पत्ती कहते हैं ना, सोप पत्ती लगी है, और धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगी है बहुत तेज़ी, अभी तो उतना नहीं बढ़ रही है। भाई लोग अभी मैं फ़ोटो खींचू, मैं फ़ोटो वोटो खिंचा रहा था यहाँ पास खड़े होके, भयंकर तपरा था भाई। ठीक है चलते हैं, चलो ये भाई और यहाँ से भी देख लिए लीजिए, यहाँ भी काफ़ी सारे मूर्ति बनाई गई हैं, ये और ऊपर अभी देखो कुछ ऐसा है, ये सब धुआं वहाँ से ब्लैक हो गया है, समझ रहा हो ना, हाँ ऐसा ही है। और यहाँ खिड़की लगी हुई है, और ये रहा गेट, ये सब शायद तक एक ही उसे पत्थर में बनाया गया है जितना मुझे लग रहा है देख के, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो गाइस जब बात कर लेते हैं मैटर की, मैटर हुआ क्या रहा आखिरकार उमरिया में, वैसे उस दिन मैं भी उमरिया ही में रहा, लेकिन अपने को पता नहीं रहा कितना भयंकर मैटर हुआ होगा। स्नैप ऐप आए थे लगभग 1-2 बजे, तब भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रही थी, तब लड़ाई झगड़ा वैसा कुछ नहीं हो रहा था, बात ऐसी है कि 1-2 बजे से भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी, फिर लगभग 3 बजे से भाषण वोषण चालू हुआ, फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक भाषणबाजी पता नहीं क्या हुई, फिर उसके बाद 5 बजे से लगभग लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया रहा, तो बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई। हाँ गुड़वाना गणतंत्र पार्टी एलिगेशन लगा रहे थे मीना सिंह के ऊपर, जो कि हैं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मध्य प्रदेश की, उनका कहना यह था कि विकास बस्ती फंड जो आया था उसमें घोटाला हुआ है, उसके लिए उसकी जांच पड़ताल के लिए ये लोग मांग कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि 2 महीने से जांच पड़ताल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा था। प्रदर्शन करने लगे और रैली वैली निकालने का कुछ हुआ रहा, और दुकान वकान बंद करने का उमरिया की, तो उमरिया की दुकान वकान कुछ बंद हुई नहीं, और फिर कई सब के लिए बहस हो रहा था, दुकान बंद रहे और उनको रैली निकालना था, फिर यही इसी बीच पता नहीं क्या मैटर हुआ, बहसबाजी हुई, तो फिर पुलिस लाठी चार्ज कर दी थी, फिर कुछ दूर वो भागे वो आने वाले, फिर वो भी ईटा पथरा जो भी मिला वो उठा लिया और वो भी मारने लगे,
बस यही सब कुछ सीन था। फिर फायर विकेट, फिर पता नहीं क्या क्या चला है, फिर आंसू तो कुछ गोला वोला चला है, आंसू गैस विकेट चला, बस यही सब। गुड़वाना वाले बहुत सारे रहे, लगभग 10-20 हज़ार की संख्या में रहे, जो पुलिस रही बहुत कम रही। तो फिर जो गुड़वाना वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हावी पड़ गए हैं पुलिस वाले, तो भयंकर मारे, लेकिन मारे खतरनाक ही हैं। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, पूरा घायल कर डाले हैं, और कुछ लोग को जबलपुर ले जाया गया है फिर। और फिर आखिर में लगभग 37 या फिर 40 लोग पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ से भी इंफॉर्मेशन उठा उठा के बोल रहा हूँ, उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अपने मन से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, टाइम मिले तो चेक भी कर लेना। मैं एकदम आपको एकदम शॉर्ट में बता दिया हूँ, चाहता तो अभी ज़्यादा लंबा करके बताता, लेकिन बस यही है। और न्यूज़ चैनल आप देख सकते हो, लेकिन उसमें भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक कंप्लीट मैं नहीं बता सकते कि इस वीडियो को देख लो तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बस सब आधा अधूरा बताए हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा। कम से कम 10-20 वीडियो देखा होगा तब मैं बता रहा हूँ। उन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, मैं यहाँ ये नहीं बोला हूँ कौन सही है कौन गलत है, उसके लिए कोर्ट है, मैं नहीं हूँ भाई, समझ लो। लेकिन जो भी रहा बहुत ही ख़तरनाक ही सीन रहा। ये हुआ था उमरिया के रानी दुर्गावती चौक में। फिर उसके मैं अगले दिन मतलब 27 तारीख को जाके देखा रहा, तो पूरा वो वाइट कलर की मतलब येलो कलर की पट्टी लगा दिए थे उस एरिया में, और कुछ फायर विकेट को तोड़ ताड़ डाले रहे, फायर विकेट के तो धजिया उड़ा डाले रहे, और काफ़ी सारे कांच के शीशे उसे पड़े रहे, लट्ठी उट्ठी चली रहे पड़े रहे। अगले दिन जाके देखा तो यही सब सीन रहा, कांच के शीशे जगह ही जगह पर पड़े रहे। न्यूज़ चैनल में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि एक कंप्लीट वीडियो में आपको बता दूं कि इसमें फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत सारी जोड़ो इन्फॉर्मेशन तब तो एकदम सही कंक्लूजन निकलता है। अभी सारे न्यूज़ चैनल वाले भी तो मैनिपुलेट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सही से बताते नहीं हैं, बस यही सीन है ब्रो। भाई लोग, मंदिर जो है ना हल्का सा टिल्ट है पीछे तरफ, झुकी हुई है हल्का सा पीछे की तरफ, आ जाओ ना, मतलब इस तरफ झुकी हुई है। और जितने भी मार कुटाई कर रहे थे ना गुड़वाना वाले, सब इधर उधर के रहे, उमरिया के नहीं रहे होंगे मेरे हिसाब से, इस समय वो पता है, सब इधर उधर के रहे। बड़ा ताड़ी बहुत ख़तरनाक हुई है जो भी हुआ है। तो भाई लोग, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना, और ये रहा अपना विराट मंदिर पीछे। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.